मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आगरा अपने वाजिब हक की लड़ाई शायद वर्षों से लड़ता आ रहा है, वो वाजिब हक है हाईकोर्ट बेंच की मांग। शायद 1866 से और अब तक तमाम तरह के आंदोलन हुए, लेकिन आगरा को जो पहचान कही जाती है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट बेंच की जो एक लड़ाई मानी जाती है कि निरंतर ये चलती आई, लेकिन किसी ने तमाम तरह की सरकारें आई, तमाम पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी इस वाजिब हक को आगरा को नहीं दिला पाया। मेरे साथ में हाईकोर्ट खंडपीठ स्थापना जनमंच समिति के संयोजक चौधरी अजय सिंह मौजूद हैं। जानेंगे उनसे कि किस तरह का आंदोलन आप भी अपने समिति की ओर से चला रहे हैं, क्योंकि निरंतर मैंने देखा है कि बड़े बड़े नेताओं से आपने इस हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर शायद मुलाकातें की हैं। किस तरह की उनकी मुलाकातें रही? अब क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी, सरकार रही लगभग 3 साल हो गए उसको, तब बहाना सिर्फ ये था कि प्रदेश सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जगह मुहैया नहीं करा रही। तो अब दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जानेंगे चौधरी अजय सिंह इस लड़ाई को जो कहीं ना कहीं निरंतर लड़ते आ रहे हैं, तो कैसे आप कामयाब बना पाएंगे। अजय जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं निरंतर आप इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, हाईकोर्ट बेंच की जो मांग आगरा ने हमेशा से जो कहे कि वाजिब हक है इसका, लेकिन वो वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? ये तो सरकारें हैं, हर सरकार जब सत्ता में आती है तो हाईकोर्ट खंडपीठ मुद्दे से दूर भागना चाहती है, और जब विपक्ष की भूमिका में होती है तो वो कहते हैं कि आगरा का वाजिब हक है और हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना आगरा में होनी चाहिए। एक नागनाथ, दूसरा सांपनाथ, हर राजनीतिक दल आगरा के साथ धोखा करता हुआ चला आया है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र में थी, आंदोलन चल रहे थे, आगरा बंद हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी जगह जाम किए गए जी, रेलवे ट्रैक भी जाम किए जी, आंदोलन के बीच में मंत्रियों से भी मुलाकात हुई। पिछली बार जब हमारी गृह मंत्री महोदय से और वित्त मंत्री महोदय से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में जो सत्ताधारी पार्टी है जी, वो प्रस्ताव हमें भेजते ही नहीं है, अगर वो भेजे तो हम 6 महीने के अंदर हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना करेंगे जी। लेकिन आज तो कोई बहाना शायद, क्योंकि अब प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है और केंद्र में भी, आज तो कोई बहाना नहीं है इस पर। इसी बात को लेकर के अभी हमारी गृह मंत्री महोदय से मुलाकात हुई 29 तारीख को, उनके आवास पर ही मुलाकात हुई थी जी। हमने कहा भाई आपने जिस तरीके से जो कहा था, अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने पूर्ण बहुमत के साथ प्रथम चरण के दौर में भारतीय जनता पार्टी को चुन करके उत्तर प्रदेश की सत्ता में भेजा जी, और यहीं से बढ़त मिली थी पश्चिम से ही, तब जाकर के आपके पूर्व तक वो बढ़त चलती चली गई। 9 विधायक आगरा ने दिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने आपको इतना बहुमत दे दिया जिस बहुमत के बूते पर आप सत्ता में आए जी। अब जब आप सत्ता में जब विराजमान हैं तो आप केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी, तो स्टेट से आप जो रिपोर्ट मंगाइए, हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा, उन्हें वो भी याद दिलाया जो लेटर हमने उन्होंने भेजे थे कि प्रदेश सरकार रिपोर्ट नहीं भेज रही है, अगर प्रदेश सरकार अगर रिपोर्ट भेजती है तो 6 महीने में खंडपीठ की स्थापना होगी, हमने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुना गया है, भारतीय जनता पार्टी आपको निराश नहीं करेगी। कहीं ना कहीं 100वीं जो वर्षगांठ बनाई गई वो शायद आगरा के आधार पर बनाई गई इलाहाबाद में, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है भाई, आगरा में 100 वर्ष स्थापना के मनाए गए, अब 150वां वर्ष बगाठ मनाया गया जी। मैं क्योंकि ये जुडिशियरी की तो बात है नहीं जी,
इसको पूरी तरीके से कटाच करेंगे भाई। जब इलाहाबाद में स्थापना हुए 150 वर्ष हुए ही नहीं, तो 150वां वर्षगांठ किस तरीके से आपने मनाया गया? 150वां वर्षगांठ बाजी भाग आगरा का था, हाईकोर्ट खंडपीठ पर अधिकार आगरा का था, और हम कहते हैं खंडपीठ नहीं, हमें तो पूर्ण हाईकोर्ट वापस चाहिए। और हाईकोर्ट जो इलाहाबाद में है भाई, आजादी के बाद हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जब सारी चीजें आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया, पाकिस्तान की चीजें पाकिस्तान में चली गई, हिंदुस्तान के हिंदुस्तान में आ गई, क्या आजादी के बाद आगरा को उसका बाजे भाग नहीं मिलना चाहिए? क्या हाईकोर्ट जो आगरा से स्थानांतरण होकर के चला गया था, आगरा में क्यों नहीं हुआ? नेताओं का इसमें किस तरीके से भागीदारी मानते हैं? क्योंकि शायद जब आपसे वोट लेना होता है तो शायद आपके पास में हर तरह का आश्वासन वो देने आते हैं, लेकिन जब आपकी मांग पूरी करने की बात की जाए, शायद क्या वो नेता आपने नहीं जिताए, क्या आपने वोट नहीं दिया उनको, क्या वो आगरा में नहीं रह रहे हैं, क्या वो आगरा की मांग को पूरा नहीं करवा सकते हैं? जो हाईकोर्ट बेंच की मांग हमेशा से उठती आई है, आप नेता राजनीति चमकाने के लिए शायद इस तरह के आंदोलन में शामिल होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रदेश सरकार से बात करने की, समाजवादी पार्टी भी रही, बसपा भी रही, है ना, तो क्या वजह रही? खाली ये नेतागिरी चमकाते हैं इस तरह के जो पॉलिटिकल लोग हैं, चुनाव जिता करके हम बेचते हैं। आगरा का एक दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय कद का कोई नेता आगरा से जन्म लेकर के राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित नहीं हो पाया, यही आगरा का दुर्भाग्य है। जिस दिन आगरा से राष्ट्रीय कद का नेता चुन करके राष्ट्र की राजनीति में प्रवेश करेगा, उस समय आगरा किसी का मोहताज नहीं होगा। मोहताज क्योंकि हमारे यहाँ के जितने भी जो लीडर हैं, इन्हें डर रहता है कि अगर हमने अगर सत्ता के विरुद्ध जाकर के हाईकोर्ट खंडपीठ का अगर हमने समर्थन अगर किया, तो अगली बार पता नहीं है विधानसभा की या लोकसभा की हमें टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आगरा के सांसद को शायद केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया, कहीं ना कहीं एक मांग रखने के लिए शायद वो काफी होता है। सांसद भी है आप आगरा, बराबर आपको जिता रहा, प्यार दे रहा, फिर भी वो शायद आपका प्रपोजल नहीं लगा सके, अभी तक उस मांग को शायद अमल पर नहीं ला सके। देखिए मैं आपको बताऊं, आपके जो हाईकोर्ट खंडपीठ का जो प्रस्ताव है, संसद भवन के अंदर फतेहपुर सीकरी से सांसद बाबूलाल जी ने उठाया कई दफा, मथुरा के जो सांसद इससे पहले जो जैन जी थे जी, उन्होंने कई दफे इसे उठाया जी। आपके हाथरस के जो सांसद हैं उन्होंने कई दफा उठाया। माननीय रमाशंकर कठेरिया जी के बारे में अगर आप अगर कहें, मंत्री बनने से पहले वो हमारे साथ कहते थे कि मैं एमजी रोड को जाम करूंगा, आइए आंदोलन करते हैं। वो कहते थे रेलवे ट्रैक को हम जाम करेंगे। मंत्री जी का हमें बड़ा मनोबल था। मंत्री जी जैसे ही उन्हें मंत्री पद मिला, आगरा का गौरव बढ़ा, हम लोगों ने सोचा शायद अब हमारी हाईकोर्ट खंडपीठ को, फिर वो आगरा की बात नहीं, शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर, अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो तो खंडपीठ की बात करना ही भूल गए। उनके तो मुंह में ऐसे लगने लगा जैसे किसी ने टेप लगा दिया हो कि वो भाई खंडपीठ के मुद्दे पे मेरे से बात मत कीजिए। आप क्यों नहीं किया, क्यों नहीं? हमने इसी बात को लेकर के, आप तो इसमें मीडिया से हैं, आपकी जानकारी में होगा, इसी बात को लेकर के रमाशंकर कठेरिया जी के निवास पर दो बार आमरण अनशन कर चुके कि कठेरिया जी आप हाईकोर्ट खंडपीठ पर क्यों खुल के नहीं बोलते, क्यों आगरा का पक्ष नहीं लेते, क्यों आपने अभी तक बड़े बड़े वायदे किए, क्यों आप जाकर के जो ये कहते हैं संसद ग्राम में मैं सबसे पहले गिरफ्तारी हूंगा। आज वही रमाशंकर कठेरिया जी आपके मुंह पर ताला कैसे लग गया जी, सत्ता के लालच में, क्योंकि हमें अभी कोई मंत्री पद नहीं चला जाए इसलिए वो खंडपीठ की मांग से पीछे थे। और ये देखिए सबसे बड़ी बात कि आप मंत्री पद रहते हुए आपने हाईकोर्ट खंडपीठ की बात नहीं की, हमारा मानना है इसीलिए आपकी जो है कुर्सी चली गई जी। अब क्या अधिवक्ता क्यों चुप बैठे हुए, क्यों इस हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए इन लोगों पर प्रेशर नहीं बना रहे हैं? क्योंकि आगरा को अगर आगरा की चीज नहीं मिल पाती है, शायद अब दोनों ही तरफ आप ताकतवर हैं, फिर भी मैं इसमें बता दूं जी, अभी चुप नहीं बैठे हैं। अभी जनमंच के द्वारा पूर्ण घोषित था, 18 फरवरी को घोषणा की गई थी, हम लोग ताजमहल का घेराव करेंगे, या तो नई सरकार प्रस्ताव पारित करके जो है केंद्र सरकार को भेजे, वैसे हमारी लड़ाई प्रदेश सरकार से नहीं है, लेकिन जैसा केंद्र अगर कहते हैं
केंद्र सरकार अगर कहती है अब दोनों ही जगह है तो प्रस्ताव आप मंगाइए। तो इसे लेकर के ताजमहल का ग्रह किया जाना था। अभी हमारी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री श्री माननीय राजनाथ सिंह जी से हुई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतपाल जी से हुई। उन्होंने कहा कि अभी लंबे आंदोलन की आवश्यकता नहीं है और हम प्रथम जो हमारा विधानसभा सत्र होगा उसमें हाईकोर्ट खंडपीठ का प्रस्ताव मंगा रहे और अगर ना आए तो आपको लंबा आंदोलन करना। लेकिन उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अगर हमारी खंडपीठ पर हम रिपोर्ट अगर मंगा लेते हैं तो उसके आगामी 6 महीने में हाईकोर्ट खंडपीठ पर उच्च निर्णय लिया जाएगा। जी, क्या ये नहीं हो सकता अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देना चाह रहे हो दे दो, लेकिन आगरा की चीज तो आगरा को दे दो, ये भी तो हो सकता। हमारी मुलाकात जिस समय वित्त मंत्री श्री सदानंद गौड़ा जी थे उनसे हुई थी, तो गौड़ा साहब ने ये कहा था कि इसमें चौधरी साहब अगर लखनऊ वो मेरठ को अगर खंडपीठ की बेंच अगर दे दी जाए और आगरा को भी दे दी जाए तो इसमें कोई आपको आगरा को कोई आपत्ति, हमारा स्पष्ट रूप से कहना था। और आज हम आपके मार्फत भी इस बात को कहते हैं, आपके मार्फत कहते हैं हम इस बात को, आगरा को उसका वाजिब हक जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना आगरा में हो, ये हमारी मांग है और आगरा में होनी चाहिए और आगरा में करा के रहेंगे। बाद बाकी की सरकार अगर कहीं मेरठ में बनाना चाहती है, मुरादाबाद में बनाना चाहती है, झांसी में बनाना चाहती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को निरंतर एक्शन में बताया जाता है कि काम के प्रति सजग है आप, 1:30-2 बजे तक आपकी रनिंग रहती है ऑफिस में और अधिकारियों से काम भी ले रहे हैं। ऐसा कानून की बात करते हैं, कानून का राज रहे उसकी बात भी करते हैं, सस्ता और सुलभ न्याय मिले उसकी भी बात करते हैं। तो ऐसे में अभी मुख्यमंत्री से कोई मिलने का प्लान है, कोई अपना प्रपोजल रखने का प्लान है मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, इस बात के लिए हमने जो है केंद्रीय गृह मंत्री जी से ये कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मंगाएं। तो केंद्रीय गृह मंत्री जी अपने हिसाब से जो रिपोर्ट इसमें जो मंगाएंगे, लेकिन हमारा निरंतर प्रयास है कि योगी जी से भी मिलकर के हम इस उनके समक्ष अपने दस्तावेजों को रखें, अपनी मांग को रखें, जोरदार तरीके से पुरजोर तरीके से उठाएं कि वो अगर प्रस्ताव की अगर केंद्र अगर बात अगर करता है तो भारतीय जनता पार्टी जहां सस्ता सुलभ और नजदीक न्याय की बात करती है तो भाई इसके लिए आप एक प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को जल्द से जल्द भेजें जिससे आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना हो सके। बिल्कुल, आपसे चर्चा हुई हमारी और आगरा को आगरा का वाजिब हक मिले इसके लिए शायद अधिवक्ता समाज या राजनीतिक लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि अधिवक्ताओं को भी शायद दूसरी पार्टियों से कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से जोड़ा जा सकता है, तमाम तरह के लोग हैं, गुटबाजी हो जाती है तो शायद किसी आंदोलन में दम नहीं पड़ पाती है, ऐसा मानते हैं? नहीं, ये जनमंच का जब आंदोलन जब चलता है जनमंच में आम जनता की सहभागिता रहती है। आपने पिछले जितने भी आंदोलन देखे, चाहे वो आगरा बंद हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक जाम हो, चाहे वो चक्का जाम हो, हर आंदोलन में अधिवक्ताओं से ज्यादा जनता की भूमिका रहती है। और रही बात राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दलों के बारे में मैंने पहले भी बता दिया, विपक्ष में रहते हुए हर राजनीतिक दल आपके वी वांट हाईकोर्ट का नारा लगाता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो वी वांट हाईकोर्ट के नारे को दूर दूर तक याद नहीं करता है। बिल्कुल बगी साहब, चर्चा हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो निरंतर मांग आप उठाते हैं हाईकोर्ट बेंच की वो आपकी पूरी हो। तो आप थे मेरे साथ में चौधरी अजय सिंह, जो आगरा हमेशा से एक लड़ाई लड़ता आया है, अपने वाजिब हक की लड़ाई लड़ता आया है, हाईकोर्ट बेंच की मांग के लिए शायद तमाम तरह के आंदोलन आगरा के अधिवक्ताओं ने किए, यहां तक कि आम जनमानस को साथ लेकर आगरा को सस्ता और सुलभ न्याय कैसे, आगरा के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय कैसे मिले उसके लिए कहीं ना कहीं एक पहल के अनुसार निरंतर आप हाईकोर्ट बेंच की मांग आगरा के लिए करते रहे, लेकिन कहें कि राजनीतिक लोगों ने, चाहे वो कोई सी भी पार्टी रही हो, हमेशा आगरा को ठगने का कार्य किया, हमेशा अधिवक्ताओं को ठगने का कार्य किया, हमेशा आम जनमानस को ठगने का कार्य किया, लेकिन आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है और शायद उत्तर प्रदेश में भी है,
अगर ये मांग अब भी पूरी नहीं हो पाती तो क्या कहिएगा इसको। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द आगरा के अधिवक्ताओं को उनके वाजिब हक में जीत प्राप्त हो। फिर मुलाकात करेंगे एक और नई पर्सनैलिटी के साथ और आगरा की कुछ जो जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें हैं, उन मांगों के साथ।